गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस समय सुबह के बजे हैं 9:30 और यहाँ मैं उठ चुका हूँ। अभी उठाऊँ मैं वैसे सोकर, और रात में जैसा कि पता है आपको, सोते सोते लेट हो जाता है, तो सुबह लेट उठना तो बनता ही है। और फिलहाल मैं बता दूँ, बाहर मौसम ये देखिए, धूप निकल चुकी है जो कि मेरे फेस पर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी धूप है। और वैसे भी मुंबई में तो गर्मी पड़ती है, सर्दी का तो कोई सवाल है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, बीच में पड़ी थी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी तो कोई सवाल ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। आपका फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। आज का पता है क्या टॉपिक है? टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस समय बज रहे हैं 10:40 और डेट है 22 जनवरी 2021। मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा पर्सनल में मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। एक वीडियो मेरी अच्छी खासी चली थी या अभी भी चल रही है, तो उस पर भी कमेंट काफ़ी थे कि आप ये बताइए कि अब मुंबई में ऑडिशंस कब से शुरू हो रहे हैं पहले के जैसे। तो मैं बता दूं, क्या ये सही समय हम मुंबई आ सकते हैं? तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मुंबई अभी आप लोग नहीं आई है, इतना वेट किया है तो 2-3 महीने और वेट कर लीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मुंबई में, वो है लोकल ट्रेन्स की, जो कि अब तक आम पब्लिक के लिए शुरू नहीं हुई है। अगर आम पब्लिक के लिए शुरू हो जाती तो मैं भी आपको ब्लॉग के माध्यम से ऑडिशंस दिखाता कि ऑडिशंस शुरू हो चुके हैं या नहीं। ऑनलाइन ऑडिशंस आप लोग दे सकते हैं, इंस्टा पर काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं, और जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट आती है आपके प्रोफाइल से रिलेटेड, तो आप उनको प्रोफाइल भेज सकते हैं। अभी जो समय है वो सही नहीं है मुंबई आने का। अगर आप आना चाहते तो आप लोग आ सकते हैं अपने रिस्क पर। वो ऐप हैं, उनका नाम मैं बताऊंगा, एक है वेबो कास्टिंग और एक है फिल्म हिस्ट्री, या फिर आप सिंटा की वेबसाइट पर जाकर भी ऑडिशन अपडेट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर अपने दोस्तों से। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा चैनल है, ये मेरे डेली और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग का चैनल है। मैं आपको डिजिटली अपनी लाइफ शोकेस करता हूँ इस चैनल पर। वो कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं।